तो भाई लगाएगा चैलेंज? ऑल राइट, लिटरली मैं पता नहीं चैलेंज क्यों लगाता हूँ जब इन द एंड हारना ही होता है, बट कोई बात नहीं। ये देख रहे हो इसके अंदर से ना वो ऐसा वो निकल रहा होगा एकदम भाई, सबसे कड़वा जूस है ये नीम का, जल्दी पी। कसम से तो एक्टिंग नहीं कर रहा बट मेरे को नहीं पसंद है। जनरली देखो आज ले लिया मैंने फिर से एक नया आईफोन, बताता हूँ कैसे, बताता हूँ रुको। सो बेसिकली इसको तुम लोग देखो, इसके पास बहुत सारे फोन है, ठीक है। ये देखो इतने सारे फोन है, एक ये आईफोन और ये एक आईफोन 15 प्रो मैक्स और एक ये मोटोरोला और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एक गूगल पिक्सल और क्या और क्या और कहाँ है और कहाँ है और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एक बहुत महंगी सी एसी की रिमोट और क्या और क्या और क्या और क्या भी और कहाँ परफ्यूम, हाँ हाँ ये देख सकते हो तुम लोग एकदम महंगा सा फॉग का परफ्यूम। तो बेसिकली तुम लोगों को करना क्या पता है, जो भी तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो, चोर बनो भाई, चोर। मुंबई में जाओ, मुंबई के लोकल में, ठीक है, और जहाँ सबसे ज्यादा गर्दी रहती है ना, सबसे ज्यादा गर्दी कहाँ रहती है भैया, सबसे ज्यादा गर्दी कहाँ रहती है दादर, दादर। को ज्यादा पता होगा भाई, हाँ चोर में होता है। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो दादर में बहुत ज्यादा गर्दी रहती है, बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ के लोग बहुत मारते हैं। अरे तो भाई अब देखो भाई, किस हर एक चीज में देखो रिस्क फैक्टर होता ही है, समझ रहे हो, तो तुम कुछ भी करो रिस्क तो होता ही, तो इसमें भी लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तुम लोग को डेढ़ लाख के फोन चाहिए तो मार खाना, मार तो खाने पड़ता है वही। और अगर तुम लोग को अभी तक तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग को स्ट्रेस आ रहा है कि अरे यार मैं कैसे करूंगा अभी तो मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, कोई बात नहीं, लिंक में एक डिस्क्रिप्शन होगा उस पर क्लिक करो और मेरा पूरा कोर्स है कि कहाँ पे तुम्हें कम मार खाना है, कहाँ पे तुम्हें ज्यादा मार खाना है, किस एरिया को प्रोटेक्ट करना है मार खाते समय, वो सब मैं बता दूंगा। ये इसका हाइट देखो और ये देखो, मतलब एकदम इसके हाइट का ही, इससे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसकी हाइट कितनी छोटी है। फ्रिज बड़ा नहीं है, तेरी हाइट छोटी है। सो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और अभी आ जाओ तुम लोगों को मैं कुछ दिखाता हूँ, आओ। मुंह पे दरवाजा बंद करना इसी को कहते हैं। इधर आओ। इसमें से अर्थिंग आती है बहुत बुरी वाली, तो इसमें करंट भी लगता है। सो ये रहा मेरा डबल डोर का, ये इसमें मैं लकी को फिट करने वाला हूँ एक्चुअली। सो लकी को मैं इसमें फिट कर दूं भैया, कर दूं? मेरे को बर्फ चाहिए। ये कुछ अभी तक ठंडा हुआ? अभी तक नहीं हुआ। कहना क्या चाहता है तुम? एसी समझ के रखा है क्या तुम? यहाँ तुझे ठंडा लगेगा, यहाँ ठंडा। हाँ यार, इधर थोड़ा ठंडा है, अभी ना हो जाएगा तेरा मस्त। फ्रिज हो या कुछ भी हो, मेरे को फ्रिज से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो एक और नया एंगल मिल गया भाई सिनेमैटिक वाला लेने का। यहाँ पे देखो मस्त में ये दोनों एकदम। ऐसे कौन सा होता है भाई? तू क्या मुंह बना रहा है भाई? क्या चाहिए, क्या चाहिए? अंगूर। क्या अंगूर? क्यों? हमके अच्छा लगा था। नहीं मिलेगा अंगूर, नो अंगूर, अंगूर को डालो भंगूर में, अंगूर लंगूर लोग खाते हैं। ऑलराइट, सो ये पता नहीं क्या कर रहा है, सो मैं भी जानना चाहूंगा और तुम्हारे साथ साथ कि ये फ्रिज को क्लीन करना पड़ता है यूज करने से पहले गर्म पानी से, लेकिन तुम गरीब लोग। ये कहाँ मालूम पड़ा? गरीब लोग को नहीं पता होता है ना। ऑल राइट, सो इसको यूज करने से पहले गर्म कपड़े से पोंछ दिया जाता है, क्यों पोंछना रहता है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आई मीन तुम्हें पता होगा मुझे भी पता है। राइट, सो यहाँ पे मैं इसमें गर्म कपड़े से साफ कर रहे हैं, हम लोग को क्या इसको करने दे, जो करना हम लोग चलते हैं। ऑल राइट, सो लाइक ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं और समझ में नहीं आ रहा भैया आजकल मैं व्लॉग बनाओ तो बनाओ किस पे। तू भैया उस दिन बोला था प्लेनेटेरियम चलेगा, प्लेनेटेरियम तो चला नहीं, तेरा एग्जाम बीच में आ गया, खत्म हो गया। अब भाई मैं बहुत टाइम से मैं कहीं जा रहा भी नहीं हूँ, सिर्फ घर के ही व्लॉग्स बना जा रहा हूँ। देखो एक्चुअली मैं घर का व्लॉग बनाना काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, बट फिर भी कहीं तो जाना चाहिए, व्लॉग मतलब व्लॉग होता है। लोग मेरी शक्ल देख देख के बोर हो गए, क्योंकि जो 36 लोग देखते हैं वो लोग भी बोर हो गए है? तो कहाँ चल रहे हैं? है ठीक, एग्जाम खत्म हो जाए तो बताता हूँ। कब खत्म हो रहा है? परसों। कल भी है और परसों भी है कि कल नहीं है? परसों है, डायरेक्ट परसों लास्ट।
फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे? उसके बाद हम जाएंगे स्वर्ग, मेरी 13वीं होगी। क्या मैं इस पढ़ा था भाई, 12वीं के बाद मेरी 13वीं होगी। ओह माय गॉडनेस। इसलिए बता कहाँ चलेंगे सबसे पहले? सीरियसली हम लोग सबसे पहले, मैं लोक निद्रा में जाना चाहूँगा। एग्जाम्स की वजह से सो नहीं पाया तो मेरे को हाइबरनेट करना है। मेरे को दो दिन तक हाइबरनेशन में जाना है और मेरे को कोई टच ना करिए। दिन तक आऊँगा एग्जाम से, जम के खाना खाऊँगा एकदम मस्त, एसी चालू करूँगा और हाइबरनेशन प्रोसेस में चल जाऊँगा और उठूँगा एक सदी बाद, फिर सोचूँगा कहाँ जाना, क्योंकि मैं इस समय पागल हो रहा हूँ धीरे धीरे ना सोने के कारण। तो भाई मैं भी एकदम, सबसे पहले तो स्लीपिंग शेड्यूल ठीक करना, एकदम टाइम पे सोकर टाइम पे उठे, 9 बजे से उठे 5 बजे उठ जाने का बाहर। मैं 5 बजे उठता हूँ ना तो उठ के देखता हूँ तो ये ऐसे पीछे देखते रहता है, ऐसा नहीं कि पढ़ता है। मैं तुम लोग को लिख के देता हूँ इसे एग्जाम से लेना, मैंने एक सेकेंड अगर मैंने अगर इसको पढ़ते हुए देखा होता मैं कसम से बताऊँ तो 4 बार सब्सक्राइब कर दो। ऐसा एक भी टाइम नहीं है कि मैंने इसको पढ़ते हुए देखा नहीं देखा है। ए भाई तू ऐसे कैसे भाई, ऐसा लांछन मत लगा भाई मेरे पे। कब मैं यही हूँ। अच्छा रुक मैं दिखाओ, इधर आ जा मैं प्रूफ दिखाता हूँ, मतलब मैं अब तक भी कुछ किया नहीं हूँ ठीक है। WPS ऑफिस है। अरे ओ अरे कल इसमें मैं पढ़ रहा था। ये करे भाई ये करे भाई ये करे, हटा दिया बट मैं लिटरली कल इसमें पढ़ रहा था। ये करे भाई ये करे, ये कर ये कर वू। Alright, so yeah, this is it for today's video. मैं चाहूँ तो मैं अकेले भी बहुत जगह घूमने जा सकता हूँ, उससे कोई इशू नहीं है, बट द थिंग इज कि सब लोग रहते हैं तो मज़ा आता है, नहीं तो फिर एक दो लोग या फिर मैं अकेले जाऊँगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई नई जगह पर जाऊँ और मैं सिर्फ उसको अकेले ही फील करूँ। बहुत सारे लोग रहे तो अच्छा लगता है मेरे को भी और सबको भी। ऐसा नहीं कि मैं आलसी हूँ, मैं बिल्कुल आलसी नहीं हूँ, मेरा आलस छूट चुका है एकदम कम्प्लीटली छूट चुका है। सो yeah, this is it for today's video. Thank you so much for watching. मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।